नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी की लर्निंग वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी जो हम कैश मार्केट का डेटा जो भी होता है, जो FPI जहां पे पैसे डालते हैं, मार्केट में उनका पैसा कहाँ पे आ रहा है, कौन से स्टॉक्स में आ रहा है, कौन से सेक्टर में आ रहा है, और उस स्टॉक्स को हमें कैसे पता करना है और कैसे अपनी सीट पे ऑटोमेट करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वहां पे कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, ऑटो में जैकपॉट जो होता है जहां पे हमें एंट्री और एग्जिट लिख के आता है, यानी जैकपॉट स्टॉक हमें कैसे पता करना है, उसकी एंट्री कैसे पता करना है, ये सब सारी चीजें हम आज डिटेल में बात करेंगे। PI कहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, कौन से सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं, कौन से भी सेक्टर जहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने का, तो ये सब सारी चीजें बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक NSDL के साइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे NSDL डेटा रिलीज करता है कि FPI का पैसा कहाँ पे आ रहा है, किस सेक्टर में। ये आप देखें कि एसेट्स अंडर कस्टडी इनका आपको जो नवंबर नेट इन्वेस्टमेंट 16 से 30 का, उसके बाद दिसंबर का इन्होंने अभी रिलीज किया है 2-3 दिन पहले दिसंबर में। तो ये वीडियो आपको लर्निंग पर्पज से है, आप यहाँ पे देखें कि इनका जो नेट इन्वेस्टमेंट 1 से 15 दिसंबर का आ गया है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे एक INR इंडियन रुपीज में, करोड़ में, और दूसरा आपको US डॉलर में दो रिलीज होता है। तो यहाँ से ये पूरा सेक्टर आपको INR का है यानी इंडियन रुपीज में, और ये आपका पूरा जो है यहाँ पे कॉलम वो आपको क्या है, US डॉलर में है। तो आप अगर यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो ये पूरे सेक्टर, लेकिन ये वहां पे इतना डेटा है कि आपको फिल्टर कर पाना, स्टडी कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप ये पूरे डेटा देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने सीट पे, अपने चैनल पे भी बताया है कि कैसे इसको ऑटोमेट करना है। उसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि कौन से जो है सेक्टर में, कैसे सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे सेक्टर का ऑटोमेशन करना है, वो आई बटन में मैं दे दूंगा। तो चलिए अब हम इसको अपने सीट पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमें आपको क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो आपके साथ मैं अभी सीट ओपन करता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देखें कि पूरे ये हम सबकी जो सीट है इसमें आपके सामने मैं ऑटोमेट करूंगा, सब कुछ डेटा ऑटो में आएगा, कैसे हमें ये करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको FPI के सीट पर सबसे पहले लेके चलता हूँ जहाँ पे FPI एनालिसिस के डेटा, यहाँ आप देखें अभी 30 नवंबर का है, 30 नवंबर का डेटा है ये पूरे। यहाँ पे 3 महीने का मैं डेटा लेता हूँ, 1 से 15 सितंबर, इसके बाद 16 से 30 सितंबर, 1 से 15 अक्टूबर, 16 से 31 अक्टूबर, 1 से 15 नवंबर और 16 से 30 नवंबर का, ये हमारा 3 मंथ का डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिसंबर का डेटा लूंगा ऑटो में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है, बस मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा और 15 दिसंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट करके रिफ्रेश API करूंगा। ये हमसे पूछेगा अगर डू यू रियली वांट टू रिफ्रेश, इसको ऐसा नहीं कि अगर आपने कभी रिफ्रेश कर दिया है और दोबारा आपके पास डेटा आ जाए ऐसा तो हो जाए। तो यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे डेटा यहाँ पे ऑटो में रिफ्रेश हो रहा है और वो डेटा देखिए ये पूरा चेंज हो गया। अभी आपको 1 से 15 दिसंबर का लास्ट में, ये आपको दिसंबर था, ये एक कॉलम यहाँ पे सब डेटा शिफ्ट हो गया। तो ओवरऑल 3 मंथ का डेटा हमको रेगुलरली यहाँ पे पता चल जाता है। चलिए यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। डेटा आने के बाद जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, डेटा यहाँ पे स्टोर कर देगा। आप देखें पूरा जो आपको लास्ट का डेटा, ये बहुत पहले से हमारा अप्रैल 1-22 से डेटा इसमें स्टोर है। तो ओवरऑल यहाँ पे किस सेक्टर में क्या चल रहा है, कितना पैसा आया है, इसको हम पूरे 6 मंथ, इवन 1 ईयर तक ट्रैक कर सकते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स बैक का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी बात करूंगा 3 मंथ का। आप अगर 3 मंथ का डेटा एनालिसिस करते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, इसमें भी 2,300 करोड़ का पैसा जो है वो आपको मनी फ्लो हुआ है, यानी इसमें मनी इनफ्लो हुआ है। और आप अगर ये सबसे ज्यादा कैपिटल गुड्स का देखें तो हुआ है इसमें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हुआ है, फिर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में हुआ है और FMCG में भी पैसा आया है। तो अभी जो सेक्टर है रिसेंट सेक्टर, किस सेक्टर में पैसे आए, FPI का देखिए होर्सिन होता है दोस्तों 2 से 3 महीने का, यानी 2 मंथ लगभग 45 डेज मिनिमम वो एक सेक्टर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ही कम ऐसा सेक्टर होता है जहां पे 45 डेज से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां उनका कम होगा। तो आप अगर ये डिटेल में देखें तो इनका इन्वेस्टमेंट अक्टूबर से चल रहा था, अक्टूबर यहाँ पे नवंबर 1, ये नवंबर अभी ये थोड़ा यहाँ पे कम किए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेगा तो यहाँ पे हम अपना 50% बुक कर लेंगे, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और यहाँ पे अपना हम 50% या फिर आपको कहिए कि 45% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर बुक भी करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा।
सेम चीजें अभी आप देखें तो ये कैपिटल गुड्स में इनका पैसा आ रहा है कंटिन्यूअस, ये आप देखें 3 मंथ से कंटिन्यूअस, इससे पहले का पूरे ही आ रहा है इसमें डेटा, यानी आप ये देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स में कितना इनका पैसा आया है, पूरे जुलाई से आ रहा है, जुलाई से भी पहले से आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स जाके आप देख सकते हैं कितने अच्छे चले हैं। मैं स्टॉक भी आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैपिटल गुड में हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना अगर सीट में दिखाऊं, जो हमारा स्क्रीनर सीट है मेन डाटा एपीआई सिलेक्शन और स्क्रीनर सीट, तो आपको ये स्क्रीनर सीट में भी पता चल जाएगा दोस्तों कि हमें कौन से सेक्टर में उनका कहां पे आया है। तो एक मिनट मैं यहां पे कैपिटल गुड्स आपको सेलेक्ट कर देता हूं और मैं एक एक स्टॉक्स की यहां पे हिस्ट्री निकाल लेता हूं। या जैसे आप यहां पे कैपिटल गुड स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसके सामने का देखिए पूरा क्या होगा स्टॉक्स यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे कैपिटल गुड्स में सेलेक्ट किया, ये हमारे सेक्टर का कैपिटल गुड्स हो गया और मैं इसको यहां पे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं तो ये पूरे हमारे कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स आ गए। पूरे कैपिटल गुड्स के देखें कैपिटल गुड्स में जो भी होगा एक मीरा ये आपको स्टॉक्स और यहाँ इज इक्वल टू करके मैं इस वाले कॉलम को दे दूंगा तो ये स्टॉक्स आपको जो भी आपको एनएससी पे होगा वो स्टॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो भी एप लैब ये सब देखिए यहाँ पे नहीं है इसमें, तो जो एनएससी पे होगा उस स्टॉक्स के डेटा आ जाएंगे। कुछ लग रहा है इसमें, हाँ जो भी स्टॉक्स होंगे तो वो स्टॉक सेलेक्ट होके आएंगे और उस स्टॉक्स में जब एंट्री होगी देखिए यहाँ पे 155 के ऊपर इसमें एंट्री आया था 145 के ऊपर, ये स्टॉक्स में हमें 150 का नहीं चला था यहाँ पे एग्जिट भी दे दिया तो ऑटो में यहाँ पे एंट्री और एग्जिट होके आता है। तो इसमें दोस्तों क्या है एनएससी और बीएससी दोनों का हमने स्टॉक्स डाल रखा है तो मैक्सिमम स्टॉक्स आप यहाँ पे फिल्टर करके आप एनएससी का भी पूरा अलग से कर सकते हैं और पूरे एक एक स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक स्टॉक्स का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा जितने भी स्टॉक्स हमारे कैपिटल गुड्स में होंगे। तो ओवरऑल इस डेटा के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस सेक्टर के साथ किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये इतना एडवांस सीट है। अब आप पूरे कैपिटल जो मार्केट है कैपिटल गुड्स है इसके साथ और आपको स्टॉक्स के सेक्टर जो भी सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे मैं एक बार उस डेटा को फिर ओपन करता हूँ एपीआई जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप देखें क्या कंस्ट्रक्शन में इसके बाद पैसा आया इनका, कैपिटल गुड्स के बाद कंस्ट्रक्शन में, फिर कंज्यूमर सर्विस में। तो ये पूरे आप सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स यहाँ पर डालेंगे जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स होगा कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, ये आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल के पूरे स्टॉक्स होके आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और ये कंज्यूमर स्टॉक्स के जितने भी आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2045 के ऊपर आया था, अभी यहाँ पे वही चल रहा है। तो ये जिस स्टॉक्स में आपको एशियन पेंट में जहाँ पे एंट्री आपको आई है वहाँ पे आप देखें कि ये पूरे एंट्री आपको 3055 के बाद इसके बाद 31 पे भी एंट्री आई है 3131, तो यही आपको पूरे एंट्री और एग्जिट बीपीएल ये आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे एंट्री एग्जिट दे देंगे। 60 अब यहाँ पे देखिए 68 के ऊपर 69 के ऊपर एंट्री आ रही है, फिर वहाँ पे अभी चल रहा पूरा स्टॉक्स। तो ओवरऑल ये आपको सारे स्टॉक्स जिसमें हो आपको ऑटोमेट सेलेक्शन करके देता है, ऑटोमेट जो भी स्टॉक्स हैं। अभी मैं डिक्सन का देखता हूँ तो डिक्सन के भी स्टॉक्स में आपको जो एंट्री आई होगी आपको ये पूरे स्टॉक सेलेक्ट होके आ जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों इसके आधार पे एक और हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं, हमें सेक्टर में, हमें जो सेक्टर में डाला उस सेक्टर का तुम स्टॉक्स में जो भी डेली बेसिस पे एंट्री होके आता है उसको हमें दे। तो ये इससे भी एडवांस है। अब यहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल को डालता हूँ तो ऑटोमोबाइल में आज का कोई स्टॉक्स हमें नहीं मिला है। कैपिटल मार्केट में देखिए यहाँ पे एक कैपिटल मार्केट में भी आया है, तो ये कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन का मैं स्टॉक सेलेक्ट करूं तो आज के लिए भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा जो डेटा है वो अपडेट नहीं है। देखिए 23 का, तो इसको मैं अपडेट कैसे करना है, सबसे पहले इसको अपडेट करना है। आप यहाँ पे जो है ये जीरो दिख रहा है, जीरो मतलब करेंट डेट है और यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन, मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश कर दूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आप देखें कि जो 22 का डेटा दिख रहा है यहाँ पे डेट, ये 23 का डेट ऑटो में अपने आप मार्केट से ये फेज कर लेगा। इतना एडवांस सीट है कि यहाँ पे हमने इसको क्या किया है कि सारा लॉजिक्स डाल दिया है, इसका सब आपको लिंक डाल दिया है। 22 से देखिए 23 यहाँ पे ऑटो में डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ओनली रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है, तो जैसे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा देखिए ये डेटा ऑटो में रिकॉर्ड कर रहा है और शिफ्ट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और शिफ्ट कर रहा है।
आपको ओनली रिफ्रेश एंड रिकॉर्ड, या हमको इस सीट पे ओनली रिफ्रेश एंड रिकॉर्ड करने का जरूरत है और कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे डेटा अब आप देखेंगे 23rd का डेटा आ गया है, और 23rd का डेटा आने के बाद जो भी स्टॉक्स अगर आज उस बाई में आया होगा, जैसे आईटी हार्डवेयर में, आईटी सॉफ्टवेयर में, वो स्टॉक्स हमारे यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे आईटी में सॉफ्टवेयर का, तो एक आपको रैम कोस है, इसके बाद लेटेंट व्यूज है, ये सब स्टॉक्स आपको यहाँ पे, इस स्टॉक्स को आईटी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं आप देखें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पैसा यहाँ पे इस बार निकाला है, इन्होंने इस बार पैसा निकाला, लेकिन ये कंटिन्यूस आपको 45 दिन से पैसा यहाँ पे डाल रहे थे, 45 डेज से। तो इस बेसिस पे अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में इनका पैसा आया। अब मैं यहाँ पे हेल्थ केयर स्टॉक सेक्टर का सिलेक्ट करता हूँ कि हेल्थ केयर में जब पैसा आया है तो डेली बेसिस पे कौन से हेल्थ केयर के स्टॉक्स में पैसा वो डाल रहे हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में आज कोई स्टॉक्स नहीं आया है, तो ओवरऑल डेली के बेसिस पे जब पैसा डालते हैं डेली बेसिस पे, तो हमें उस स्टॉक्स में पैसा, उस सेक्टर में पैसा पता चल जाता है कि ये कौन से सेक्टर के किस स्टॉक्स में, हेल्थ केयर इक्विपमेंट में नहीं डाला उन्होंने, पैसा डाल रहे हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल इस डेटा से पहले ये जब पैसा डालेंगे, और उससे पहले हमें ये पता चल जाता है, यानी पैसा डालने के समय ही कि हाँ उन्होंने इस सेक्टर में पैसा डाला है। अभी आप देखें कि इस बार रियल्टी सेक्टर में थोड़ा इन्होंने पैसा डाला है, ये रियल्टी सेक्टर में, अब पहले से ये बीटन डाउन सेक्टर था, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, रियल्टी सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि रियल्टी सेक्टर को वाच पे रख लेना है। जैसे हमें पता चल गया कि इनका पैसा रियल्टी सेक्टर में आया है, मैं उस पूरे रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स को वाच में कर लूंगा। तो मैं इसे जैसे रियल्टी सेक्टर में यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर टैक्स इन्फ्रा पता चल गया कि हाँ इस स्टॉक्स में उनका पैसा आया है। अब मैं यहाँ पे उस सेक्टर को सेलेक्ट कर लूंगा, रियल्टी सेक्टर को। अब देखें यहाँ पर रियल्टी सेक्टर, और यहाँ पे मैं टैक्स इन्फ्रा का यहाँ पे चार्ट देख लूंगा कि डेटा हमें और चार्ट क्या कर रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पर टैक्स इन्फ्रा सेलेक्ट करता हूँ, देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, आपको क्या दिखा रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज ये पूरे इंक्रीज हो रहे हैं, और ये हमारा बड़े प्लेयर का जो नंबर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये स्टॉक्स में क्या है, यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये आपको पूरे कंसोलिडेट जोन में है, और यहाँ पे बड़े प्लेयर, यहाँ पे जो भी एपीआई या बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं सेम लेवल पे। यहाँ पे जब भी 60 के पास आता है, यहाँ आप देखिए कि बाइंग जोन आ जाता है। तो ये हमें स्टॉक्स ऐसे सिलेक्शन से मिल जाता है ऑटो में, जहां पे आपको मल्टी बेगर स्टॉक्स, यानी ये स्टॉक्स मल्टी बेगर हो सकता है जब वो पैसे डालेंगे और डाल रहे होते हैं, तो ही हमें पता चल जाता है। सेम आप अगर ये सेक्टर वाइज में आप डालें तो एक आपको श्रीराम पीपीएस, ये भी एक स्टॉक है श्रीराम पीपीएस। तो मैं यहां पे देख लेता हूं कि कौन सा वो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स आपको शायद इसमें नहीं है, या फिर यह श्रीराम पीपीएस। हाँ, अब देखिए मैं श्रीराम पीपीएस जैसे मैं सेलेक्ट किया, वो हमें यहाँ पे एंट्री दिखा रहा था कि 76 के पास इनकी एंट्री आई है, फिर यहाँ पे 82 के पास एंट्री आई, लेकिन ये सीट हमें एक बार 71 के पास यहाँ पे एग्जिट दे दिया, यहाँ पे एग्जिट दे दिया है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे देखें कि ये एग्जिट दे दिया है कि यहाँ बड़े पेड़ की यहाँ पे एग्जिट हो रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों स्टॉक्स दोनों सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल एफपीआई जहां भी पैसे डालेंगे, जिस सेक्टर में पैसे डालते हैं, उस सेक्टर का हमें डेटा और स्टॉक्स यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं। तो मैं आपको फोकस करना चाहूंगा अभी आपको जो ये रियल्टी सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स को आप वॉच पे रखिए। यहाँ पे अभी जो है एफपीआई ने टेस्ट किया है, थोड़ा टेस्ट किया है, तो इसको फोकस पे रखिए। दूसरा आपको ये मेटल एंड माइनिंग में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी इनका इन्वेस्टमेंट वो आपको चालू रह रहा है कंटिन्यूअस है मेटल माइनिंग का। तीसरा आपको एफएमसीजी में भी है और कंस्ट्रक्शन में भी पैसा आ रहा है। तो ओवरऑल ये जिस सेक्टर से पैसे निकालते हैं वो भी सेक्टर का हमें स्टॉक्स पता चल जाता है। आप देखें इनका जो विड्रॉल है, अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन आईटी से थोड़ा सा हुआ है, तो आईटी देखिए बिल्कुल डाउन आया है यहाँ पे। और आपको ये मेटल एंड माइनिंग से भी, मेटल एंड ऑयल एंड गैस से हुआ है, इसके बाद पावर सेक्टर से हुआ है। तो ये पावर सेक्टर से पहले पैसा उसमें डाल रहे थे। तो इनका क्या होता है कि सेक्टर वाइज साइकिल जो रोटेशन होता है,
जो बीटन डाउन सेक्टर होता है उसको कैश करते हैं, उसको पिकअप करते हैं और उसमें वो पैसे डालते हैं। तो ओवरऑल इस सीट के आधार पे हमारा पूरा स्टॉक का सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा, आपको मैं आज कौन से स्टॉक्स में मनी फ्लो हुआ है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस सारे स्टॉक्स यानी आपको पूरे एनएसई पे जितने स्टॉक्स होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे मनी फ्लो बता देता है। तो एक चैम फैब है, आपको यहाँ पे जीएमआर इंफ्रा है, यहाँ पे देखें इंफ्रा जो कंस्ट्रक्शन का हमारा पैसा जिसमें आया था, नितिन स्पिन है, एक नोएडा टोल है, इसका श्रीराम एमपीएस, देखिए स्टॉक्स हमारा यहाँ पे भी सिलेक्ट होके आया है। तो आज इसमें एंट्री हुई है ओवरऑल 71 के ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस स्टॉक्स को थोड़ा सा हम अपने जो है फिनेंशियल या फिर कहिए कि फंडामेंटल है उसको भी चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक तो साइट्स बता दूंगा, जैसे एक फिनोलॉजी करके एक फिनोलॉजी है, फिनोलॉजी टीकर, फिनोलॉजी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या कौन सी स्टॉक्स में कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें जो पैसा आ रहा है वो हमें पता चल जाता है। ओवरऑल वहां पे तीन चार चीजें आपको देखना है कि हमारा उस स्टॉक्स में जो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो तो नहीं है। थोड़ा सा फिनोलॉजी टिकर है, फिनोलॉजी टिकर करके है, और उस डेट में डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्लेज नहीं होना चाहिए और प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें अगर हम वहां पे देखेंगे तो हमें एक और दूसरा साइट है, मैं वहां पे दिखाता हूँ आपको, टिकर टेप करके है। जब ये तीनों चीज फंडामेंटली हम देख लेंगे तो उस स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। और इनिशियल के अगर मुझे सपोज दैट कि उस स्टॉक्स में 50,000 लगाना है तो मैं ओनली 10% लगाऊंगा, 10% ही, ऐसा नहीं कि मैं 50% गया और वहां पे पूरा पैसा लगा दिया। तो 10% वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जब स्टॉक्स हमारे डायरेक्शन में चलने लगेगा, यानी वहां से 5% 10% जब हमारे ऊपर चला जाएगा तो फिर वहां पे अपना हम आपको 70% 60-70% वहां पे पैसे हम डाल देंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार पूरा पैसे डाल देंगे। तो आप यहाँ पे एक बार इस स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बार मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए स्टॉक्स आपको श्रीराम प्रॉपर्टीज का स्टॉक्स है, श्रीराम प्रॉपर्टी, ये 70% है, डिविडेंड रिटर्न इसमें नहीं मिला है, लेकिन ये होल्डिंग में आप जाएंगे तो होल्डिंग आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि उनका प्लेस है कि नहीं। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 28% ही है, एपीआई इसमें आपको पैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं एपीआई। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सितंबर में इसमें इनसे बहुत ज्यादा पैसा था, अभी इन्होंने यहाँ पे पूरे जो है वो निकाल लिए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है, या फिर आपको देखना है कि उसकी जो एग्जिट हमें इसमें दे दिया था, अब हमारा सीट भी इसमें एग्जिट दे दिया था कि एपीआई इसमें क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो एंट्री और एग्जिट दोनों डिक्रीजिंग एपीआई प्रमोशन, ये देखिए आपको यहां पे दिखा रहा है, तो एंट्री और एग्जिट वहां पे हमें दोनों निकल के आ जाता है कि कौन से स्टॉक्स में वो एंट्री कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स में एग्जिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इसके बेसिस पे आप पूरा चीज अपने ही सीट में यानी फिनेंशियल का भी पूरा अपने ही सीट में पता कर सकते हैं। मैं अब जीमार कंस्ट्रक्शन का दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको एंट्री कोई नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, होल्डिंग में आप चले जाइए तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 28% है, बिल्कुल ये 27% है, कम नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इनका प्लेस है, प्लेस 40% है, यहाँ पे प्लेस 44% है, अनप्लेस्ड। तो इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, हमारे एफपीआई हो फिर भी, क्योंकि अपना गिरवी रख के रखें, प्लेस करके रखें। तो इस प्रकार आप मोटा मोटी पूरे एक अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच से, कि हमें पहले सेक्टर वाइज देखना है कि एफपीआई किस सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं, उस सेक्टर के साथ कौन से स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, स्टॉक्स में सिलेक्शन करने के बाद उस स्टॉक्स का पूरा फंडामेंटल, उसके बाद फिर हमें उसको टेक्निकल, टेक्निकल हमने देख लिया है पूरे अपने इस डेटा पे जाके, हम एक महीने का पूरा डेटा वहां की उनकी कहाँ से डिलीवरी है, कहाँ पे इनका क्या है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप पूरे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। और आपको अगर सीट की रिक्वायरमेंट है
तो आप मुझे इस नंबर पे 9508889759 पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक मिनिमम चार्ट के साथ, क्योंकि देखिए दोस्तों सीट नहीं, यहाँ पर लॉजिक्स के चार्ट है, जो भी आपको प्राइस है वो लॉजिक का है, तो बिल्कुल यहाँ पे उस प्राइस के जेन्युइन प्राइस के आधार पे आपको ये सीट मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में। एक और मैं छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप लाइव मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको। हमारा आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि एक एक जो मैसेज है पूरा बता देता है कि बड़े पेयर की एंट्री क्या है, डाटा क्या है, डाटा स्ट्रॉन्ग, नॉट टू बाय कॉल टुडे। मैंने यहाँ पे मैसेज किया ऑलवेज सेल ऑन राइज टुडे मार्केट बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं बोला कि कहाँ ऊपर जा सकता है निफ्टी टुडे क्लोजिंग 17,900। लेकिन ये आपको हमारा एनालिसिस थोड़ा सा हुआ और ओवरऑल पूरे डेटा के बेसिस पे बताया जाता है। और ये सब सारी चीजें अगर आपको सीखना है कि डेटा कैसे ऑटोमेट करते हैं, मेरा पूरा एक्सेल शीट ऑटोमेट है। तो हमारा 5 जनवरी से दोस्तों 5 जैन से नेक्स्ट बैच का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही मिनिमम फी में आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। दोस्तों ये नंबर पर मैसेज करिए, इनरोल होइए, नहीं 31st तक आप अगर इनरोल होते हैं तो आपका ये फी रहेगा, नहीं तो हमारा फी यहाँ पे लगभग 30% हाइक होने वाला है। तो बहुत ही मिनिमम फी में अपना सारा सिस्टम आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ओवरऑल एक आप कहिए कि डीप स्ट्रेटजी के साथ और सेक्रेट स्ट्रेटजी के साथ। तो ये छोटा सा अपडेट रहा है दोस्तों, फिर मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में। तब तक जय हिंद, जय भारत।